everyone, my name is Sanskriti Narayan and you are watching Live 7. नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शौर्य रावत और आप सब देख रहे हैं लाइव 7। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ध्रुव सेन सिंह को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को स्थानीय कॉलेजों पर ठहराए राहुल गांधी ने सरकार को लिखा पत्र। भगवानी देवी डागर 94 की उम्र में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते। अब खेल समाचार। बैडमिंटन, साइना नेहवाल ने की जीत के साथ शुरुआत, पारुपल्ली कश्यप पहले राउंड में हारे। इस वर्ल्ड न्यूज आर बिल गेट्स वोव्स $20 billion टू स्टेम द ग्लोबल सफरिंग। अटल टिंकरिंग लैब्स एंड स्कूल पावर्ड बाय इसरो आर एनकरेजिंग स्पेस एजुकेशन। अपोलो एजुकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफरिंग इंडियन डॉक्टर्स टू स्टडी मास्टर इन सर्जरी एंड मेडिसिन एट UK's एज हिल यूनिवर्सिटी। यूरोप टू अर्ज कंट्रीज कर्ब गैस यूज, हंगरी डिक्लेयर्स एनर्जी एमरजेंसी। नाउ स्पोर्ट्स न्यूज। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप, नवनीत ब्रेज हैंड्स इंडिया 3-1 विन ओवर जापान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7।